बड़ी खबर बिहार से सामने आ रही है। शराबबंदी कानून को लेकर कड़ा पत्र लिखने वाले एसपी पर गाज गिरी है। सरकार ने आनंद फानंद में उनको अपने पद से हटा दिया है। तो यह बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस मुख्यालय ने पत्र को रद्द भी कर दिया है। तो उत्पाद विभाग के अधिकारी और कर्मियों द्वारा शराब माफियाओं के साथ मिलकर शराब की तस्करी करने और अवैध संपत्ति अर्जित करने के आरोप की जांच के लिए सभी जिलों के एसपी को पत्र लिखने वाले मद्य निषेध विभाग के एसपी राकेश कुमार सिन्हा का अचानक से तबादला कर दिया जाता है। दरअसल मद्य निषेध विभाग के एसपी ने सभी जिलों के एसपी को लिखे गए अपने पत्र में इस बात की चर्चा की है कि बिहार में सरकार द्वारा शराबबंदी कानून लागू कर बढ़ी शराब की खरीद बिक्री पर रोक लगाई गई है, लेकिन अभी भी चोरी छिपे शराब की खरीद और बिक्री पूरे राज्य में शामिल है। इस पत्र के जारी होने के बाद बिहार पुलिस मुख्यालय ने आनंद फानंद में न केवल मद्य निषेध विभाग की एसपी राकेश सिन्हा को हटाने की अनुशंसा की, बल्कि उनके द्वारा जारी किए गए पत्र में नए मद्य निषेध विभाग के नए एसपी संजय कुमार सिंह के आदेश से रद्द करवा दिया गया। तो यह बड़ी खबर पटना से सामने आ रही। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक बने हुए। विवेक, जहां एसपी साहब को जिस आदेश के लिए इनाम देना चाहिए था, जिनकी प्रशंसा करनी चाहिए थी, उस आदेश के लिए उन्हें उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है, उनका लेटर रद्द कर दिया जाता है। जी, कहीं ना कहीं बिहार पुलिस मुख्यालय और बिहार सरकार कहीं ना कहीं शराब माफियों के दबिश में है। जैसा कि मनीष के एसपी ने जो लेटर जारी किया था, जो कि शराबबंदी को लेकर कहीं ना कहीं सभी जिलों के एसपी डीएम थानेदार को लेटर जारी करके चिन्हित किया था कि सभी शराब माफियाओं से इन करते हैं और शराब माफियाओं के साथ की संलिप्तता है। इसी लेटर जारी होने के बाद आला अधिकारियों में खलबली सी मच गई है और आनंद फानंद में मनीषेट एसपी को ट्रांसफर कर दी जाती है। कहीं ना कहीं पुलिस मुख्यालय और बिहार सरकार शराब माफियाओं के दबिश में बरी हुई है। बता दें कि लगातार जिलों में शराब का शराबियों गिरफ्तारी होती है, कई हजारों लीटर शराब बरामद किए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल विवेक, लगातार राज्य भर में शराबबंदी को लेकर कड़े कानून लगाए जाते हैं। लगातार तमाम पुलिस अधिकारियों को शपथ दिलाया जाता है कि शराबबंदी को बिल्कुल प्रॉपरली पालन करवाया जाएगा। और दूसरी तरफ ऐसी एक घटना सामने आती है जब एक पुलिस अफसर कड़ाई से इस नियम को लागू करने की कोशिश करता है तो उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। जी, लगातार किसी अच्छे अधिकारी के द्वारा कोई कार्रवाई की जाती है। और शराब की बात करें तो बिहार में शराबबंदी पूर्ण रूप से बंद है, तो फिर भी पूरे बिहार की बात करें तो पटना में लगातार शराब की खेपे बरामद की जाती है, लगातार शराबियों की गिरफ्तार की जाती है, फिर भी बिहार में शराबबंदी पूर्ण रूप से नहीं है। और कोई अधिकारी अगर इसका एक्शन करते हैं तो सरकार की तरफ उसे प्रमोशन की जगह डिमोशन कर दिया जाता है और उसको ट्रांसफर कर दी जाती है। तो कहते हैं कि पुलिस मुख्यालय कहीं ना कहीं शराब माफियाओं के दबिश में काम कर रही है, पूरे बिहार शराबबंदी के दबिश में काम कर रही है। और ये जो पुलिस मुख्यालय ने पत्र रद्द किया है, साथ ही राकेश जी को जो ट्रांसफर किया गया, क्या इसको लेके सरकार की तरफ से कोई आदेश सामने आया या फिर कोई पहला इन्फॉर्मेशन सामने आया है? जी, ये आदेश के बाद सरकार कड़ी रूप है और लगातार जो उसके रद्द कर दी गई है उसको लेकर अभी सरकार चुप्पी साधी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं खलबली है। शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, शराबबंदी कानून पर पत्र लिखने के बाद एसपी का पत्र पहले रद्द कर दिया जाता है, उसके बाद उन्हें ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। एक तरफ जहां बिहार में शराबबंदी का कड़ाई से पालन किया जाने का दावा किया जाता है और दूसरी तरफ ऐसा एक मामला सामने आता है जहां एक अधिकारी जब कोशिश करता है कि शराबबंदी की कड़ाई से पालन की जाए तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। जी,